हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विचित्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेशियल। हाँ, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेशियल फेस मास्क आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं और मैं बिल्कुल रेडी हूं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेस मास्क फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अगर आप एक्ने हैं, दाग धब्बे हैं, तो 100% ठीक हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके ग्रे कर दें और मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावरफुल फेशियल के बारे में बात कर रही हूं, वो है ये इंडियाज हीलिंग क्ले वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेशियल डीप पोर क्लींजिंग 100% नेचुरल कैल्शियम बेनोटाइट क्ले है एजटेक सीक्रेट। तो ये बहुत ही अच्छा फेस मास्क है जिसे मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे कभी कभी मेरे फेस पे एक्ने आ जाता है, सो इसके लिए बहुत ही अच्छा ये फेस मास्क है। जिन्हें PCOS है, PCOD है, उनके चेहरे पे क्या होता है ना कि अक्सर पिंपल्स एक्ने आ जाते हैं उनके फेस पे, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ये फेस मास्क है। सो इंडियन हीलिंग क्ले इसका नेम है, इट्स वेरी नाइस। आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा और चाहे तो आप अमेजोन से या फिर किसी भी ऑनलाइन साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है बट वर्थ इट है, आपके पिंपल्स को ठीक करता है, वर्थ इट है और आपको डिस्काउंट में ये मिल जाएगा। वैसे इसकी प्राइस जो है 1440 इसमें लिखा है, बट ऑलवेज वहाँ पे ऑनलाइन साइट पे 60% या कभी कभी 70% भी ऑफर रहता है, तो आपको आसानी से आपको ये मिल जाएगा ऑफर में। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, जानते हैं थोड़ी डिटेल में। तो इस फेस पैक को जो लगाने का तरीका है वो है, इसमें भी मेंशन किया है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के साथ अगर इसे यूज करते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो इस एप्पल साइडर के साथ मिक्स करके अभी मैं लगाऊंगी। उसके पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ग्रेट फॉर फेशियल, फेशियल के लिए बहुत अच्छा है, इवन आप अपने बॉडी में लगा सकते हैं। क्ले बाथ, सो इट्स अ क्ले बाथ, फुल बॉडी में आप अप्लाई करके देन आप शावर लें, तो इट्स वेरी नाइस। इंसेक्ट भी अगर बाइट करता है ना जहाँ पे, तो आप वहाँ भी इसे लगा सकते हैं, बट एप्पल साइडर के साथ ना लगाएं। इंसेक्ट कोई अगर बाइट कर लेता है तो वहां पे सूजन जैसा हो जाता है, तो आप वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। आपके फेस को क्लीन करेगा, दाग धब्बों को हटाएगा, पिंपल्स को हटाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसे किस स्किन टाइप के लोग ना लगाएं, बहुत ज्यादा जिनकी ड्राई स्किन है वो ना लगाएं, अगर उनके स्किन में प्रॉब्लम है तो उसे वो ना लगाएं। इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, सन ड्राइड हो जाता है ना जिनका स्किन, तो वो ना लगाएं। तो मेनली जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना उस वो ना लगाएं। और अक्सर ये देखा जाता है जो पिंपल्स है ना वो नॉर्मल जो ऑयली स्किन में ज्यादा आता है, एक्ने भी, तो एक्ने पिंपल्स के लिए तो ये बेस्ट है। उसके अलावा अगर दाग धब्बे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, पिगमेंटेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बस जो ड्राई स्किन है ना, बहुत ज़्यादा रूखी ड्राई स्किन है ना, उस पर अपना आप लगाएं। सबसे पहले ड्राई स्किन वालों को ना एक्सफोलिएट करना चाहिए, नॉर्मल लाना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी वैसा अप्लाई करें। सो एनीवेज, तो ये थी इस फेस मास्क की खासियत और मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया इसके बारे में, इसके प्राइस के बारे में भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसका लाइव रिजल्ट। इसे मैं मिक्स करती हूँ, आउच, तो मैं यहाँ पे ये एक चम्मच मैंने ये ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर। अंदाज से ऐसा इतना ले कि वो स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, इसे मिक्स करें एंड देन अपने फेस पे। और इसे पता है क्या, मिक्स करके इसे बिल्कुल भी ना रखें, इसे फटाफट अपने फेस पे अप्लाई कर लें, क्योंकि जब एप्पल साइडर विनेगर जब इसमें हम डालेंगे ना तो ये फोम सा हो जाएगा। देखिए जैसा लग रहा है फोम फोम सा, इसे बिल्कुल भी ऐसे रखें ना
फटाफट अपने फेस पे अप्लाई करें। इसे स्पून में लगा है तो मैं इसे लगा लेती हूँ। और इसे फटाफट फेस पे अप्लाई कर ली और इसे अपने फेस पे ज्यादा देर तक नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट तक ही अपने फेस पे लगा के रखना है। बेटर होगा कि आप इसे रात में लगाएं, अदरवाइज जिस दिन आपका प्लान हो घर पे रहने का, रिलैक्स करने का, उस दिन अपनी फुल बॉडी पे लगाएं आप। इसे अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली धूप में ना जाए। आईब्रो पे लग गया और ये थोड़ा सा ना इसे लगाने के बाद जो आईज है ना थोड़ा सा आपको थोड़ा जलेगा, बट ये नॉर्मल है। और फेस लगाने के बाद थोड़ा सा रेड भी होता है क्योंकि वो डीप क्लीन करता है फेस को, डर्ट्स को। से 10 मिनट तक मैं इसे अप्लाई करके रखूँगी, उसके बाद आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी और उसके बाद आप देखिएगा इसका रिजल्ट। सो फिर से मैं दिखा दूँ, दिस इज हाउ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एज़टेक सीक्रेट हेल्थ एंड ब्यूटी इंडियन हीलिंग क्ले, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेस। कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, मैं फेस कुछ अप्लाई करूँगी और आपको, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा क्लीन लग रहा है फेस। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और डेफिनेटली ट्राई करिएगा।